देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए ये एक सरप्राइज है कि मियां नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर कोई इस तरह का हमने रवैया इख्तियार नहीं किया, लेकिन अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह मियां साहबान अपने अहबाब के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर आउटिंग के लिए निकल रहे हैं और रेस्टोरेंट्स में खानों पे जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ना इखलाकी तौर पे ना कानूनी तौर पे किसी भी तौर पर उन्हें जेब नहीं देता था। और इसके ऊपर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने हमारी जो सूबाई मिनिस्टर हेल्थ हैं उनसे भी पूछा, डॉक्टर यास्मीन साहबा से, कि उन रिपोर्ट्स को फौरी तौर पर दोबारा एग्जामिन करें और जो नई रिपोर्ट्स बाहर से आई हैं उनको भी क्रिटिकली देखें। अगर ये एक सारा झांसा था या कोई मिलीभगत थी कि जिसके ज़रिए से इस कदर ज़्यादा उन्हें बीमार शो किया गया और बाहर जाके जो तवातर के साथ इस तरह की खबरें भी आ रही थी और ये वीडियोस भी सामने आ गई, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे नेशनल लेवल के और स्ट्रक्चर के लीडर जो हैं वो अगर इस तरह से भी बहानेबाजी कर सकते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। ऑफकोर्स उन मेडिकल रिपोर्ट को क्रिटिकली या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो सारे को, इस सारे मामले को एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ ये चीजें जो है ना वो गड़बड़ हुई। आठ हफ्ते का वक्त था, खत्म हो गया, क्या हुकूमत उनका जो ये टेन्योर था इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दाखिल करती कि या वो वापस आए या उनको वापस लाने के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए? देखें, इस पे तो अदालत ने भी ये कहा है कि इस टेन्योर के बाद उन्हें वापस आना होगा और इसमें अगर उनकी सेहत के अंदर बेहतरी आ जाती है तो फिर भी अब जो दोबारा उनकी रिपोर्ट्स आई हैं उनको देख के अदालत में भी जाएंगे और हुकूमत इस पे स्ट्रिक्ट है कि उन्हें अपने वादे के मुताबिक जो है वो वापस आना चाहिए। बेफिक्र रहें, कोई तब्दीली नहीं आने वाली ईवानों के अंदर। इत्तेहादियों के छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो जहां एक कोलिशन गवर्नमेंट हो वो चलते रहते हैं और उनको सॉर्ट आउट भी किया जाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। चलें।